अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉपिंग का व्लॉग। मेरी फ्रेंड सोदिया से आई है और उसको समर ड्रेस परचेज़ करने थे, तो हम दोनों यहाँ पर सफ़ायर आई कपड़े परचेज़ करने के लिए। और सबसे पहले हमने मैंगो जूस लेकर पिए हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद यहाँ पर ड्रेस पसंद किए हैं और ये ग्रे और ऑरेंज टोन में जो दोनों ड्रेस हैं ये लिए हैं। साथ उसने अपने सिस्टर के लिए एक ब्लू एंड पैरेट टोन में भी जो है ना ड्रेस पहन किया है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक ड्रेस चेक कर रही थी, जो वॉल्यूम मुझे चाहिए था ना वो यहाँ पर नहीं था, वो ऑनलाइन अवेलेबल था, सो मैंने ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर दिया था। तो अभी यहाँ पर एक ड्रेस रह गया, वो लेने के बाद हम लोग बिल करवाएँगे यहाँ पर। यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। और सफ़ायर ब्रांड के जो ड्रेस हैं ना वो हमेशा यूनिक प्रिंटिंग में होते हैं और उनका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही क्लासी है। सो इस दफ़ा हमने सफ़ायर को ही प्रेफर किया है। 3300 का एक ड्रेस है और 300 एक ड्रेस का टैक्स है। ड्रेस परचेज़ कर लिए थे और अब जहाँ पर फ्रेंड को एक परफ्यूम चाहिए थी तो मैंने कहा सफ़ायर से पहले चेक कर लो। और अभी हम यहाँ से चेक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम है इनके पास, एक दो चेक की थी लेकिन कुछ खास स्मेल नहीं थी, बहुत ही तेज़ थी उसकी स्मेल, सो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इनके पास और भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं और इनकी भी काफ़ी हाई रेट थे। अच्छा जी, अब हम जे डॉट आए हैं और फ्रेंड ने अपने हस्बैंड के लिए ड्रेस परचेज़ करना था और वो अपने ड्रेस चेक कर रही थी और यहाँ पर मैं ना व्लॉग शूट कर रही थी। ये इनके ड्राइंग रूम है, उसने ब्लैक कलर में लेना था लेकिन यहाँ पर ब्लैक अवेलेबल नहीं था और काफ़ी और स्टफ़ भी जो उसको चाहिए था वो यहाँ पर नहीं था। सो अब हम जा रहे हैं जे डॉट के ग्राउंड फ्लोर में और यहाँ पर जो परफ्यूम उसने लेनी है वो यहाँ पर लेगी। ये जे डॉट का ग्राउंड फ्लोर का ओवरऑल व्यू है। परफ्यूम भी सिलेक्ट हो गई है, अब हम यहाँ पर बिलिंग करवाएंगे और उसके बाद जी हमने जाना है कोई फ्लैट चप्पल देखने के लिए और वो जाएंगे हम मेट्रो की शॉप पर। इस परफ्यूम की प्राइस 4500 है। कुछ ब्रांड्स पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, सो यहाँ पर मैंने परमिशन लेकर फिर ही वीडियो को शूट किया है। अब जब हम जा रहे हैं जी मेट्रो और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे चप्पल, और एक चप्पल मंगवाई है चेक करने के लिए। इसका स्टफ़ उसने चेक करना था कि और पहन के जब देखा उसने तो कह रही थी कि बहुत ही हार्ड है ये, सो इसको भी छोड़ दिया। इसके बाद जी हम लोग आए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में, तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया था तो काफ़ी भूख लग रही थी, तो यहाँ पर हमने चाउमीन ऑर्डर की थी। यहाँ पर हम चाउमीन खाएंगी और ड्रिंक ली है साथ में हमने 7 अप के कैन, और थोड़ी देर यहाँ पर हम रिलैक्स करेंगी और साथ में लंच करेंगी। इसके बाद जो रिमेनिंग शॉपिंग है वो हम बाद में करेंगे, तो मिलते हैं आपसे लंच के बाद। बाज़ार एंटर होने से पहले हम लोग यहाँ पर आई हैं कंद फिशा और यहाँ से हमने एक लेक्सी रसगुल्ले लेने थे, तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम हाफ हाफ केजी के 2 पैक तैयार करवाते हैं। अब यहाँ पर मैंने रसगुल्ले पैक होने के लिए ऑर्डर दे दिया है। जिन लोगों के घरों में वेडिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट वगैरह होती है तो फिर वो यहाँ से पैक करवा के ले कर जाते हैं स्वीट। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हाफ के जी का एक पैक तैयार हो गया है, अब दूसरा होगा। तो हमने सोचा जितनी देर में वो होता है ना तो हम यहाँ की जो रस मलाई है ना वो लेके खाते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है इनकी रस मलाई। तो ये हमने 2 ली हैं, एक फ्रेंड की है और एक मेरी, तो अभी ये आराम से बैठ के यहाँ पर खाएँगे और उसके बाद हम बाज़ार में जाएँगे। हम लोग बाज़ार आई हैं और इसके एंट्रेंस में यहाँ पर चेरीज लगी हुई थी तो यहाँ से ये ली है हम लोगों ने, और इसके साथ ही एक शॉप है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ से हम लोगों ने सनब्लॉक चेक करना था एक अच्छी कंपनी का। एक यहाँ पर वैक्स ली थी और एक हमने चेक किया था, वो कुछ खास नहीं था और हमने कहा कोई अच्छी क्वालिटी का दिखाएँ, तो यहाँ पर बायोडर्मा का सबसे ज़बरदस्त सनब्लॉक था। अब इसका बिल करवाएँगे। साथ ही बैंगल्स की शॉप थी, वहाँ पर हमने ये सेट रेडी करवाया है, साथ में चूड़ियाँ थी और 2 कड़े थे। उसके बाद साथ ही मैचिंग उसने खुशा लेना था तो मैंने भी पहन के चेक कर लिया था।
फाइनली रास्ते में एक शॉप मिल गई थी, यहाँ पर अच्छे ब्रांडेड कपड़े होते हैं, तो उसने अपने हस्बैंड के लिए ब्लैक कलर में ड्रेस लिया है। मेट्रो से तो चप्पल पसंद नहीं आई थी, लेकिन साथ ही हम लोग यहाँ पर इंडोर के शॉप थे, तो हमने कहा यहाँ से चेक कर लेते हैं। और यहाँ से एक चप्पल ली थी मेरी फ्रेंड ने, लेकिन वहाँ पर मैंने वीडियो शूट नहीं की। हील्स वाली भी थी, लेकिन हील वाला जूता पहन के चला नहीं जाता, लॉन के ड्रेस के नीचे फ्लैट ही अच्छी लगती है। लास्ट में उसने अपने नेफ्यू के लिए एक ड्रेस लेना था, शर्ट और साथ में शॉर्ट, तो वो चेक कर रही थी और यहाँ पर मैं थक के बैठ गई थी। यहाँ पर किड्स वियर ड्रेसेस हैं, काफ़ी अच्छी शॉप थी और यहाँ पर 20% ऑफ थी। सो फाइनली उसने यहाँ से मैरून कलर में शर्ट ली है और साथ में स्किन कलर में शॉर्ट लिया था, तो यहाँ पर बिल करवाएंगे और इसी के बाद हम शाम बस होने ही वाली है, तो कुछ बर्गर वगैरह ले गए। यहाँ पर बर्गर ऑर्डर किए थे तो वो 30 मिनट में आए थे और ये खाएंगे। खाने के बाद हम लोग जाएंगे घर वापस। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फीडबैक दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, सुपर गर्ल व्लॉग्स 550। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।